2 of our trip to Islamabad. We woke up at 7 AM. हमने सोचा कि हम कहीं जाके नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इस्लामाबाद घूमेंगे. करीब करीब घूमना पड़ेगा क्योंकि जो इवेंट था वहाँ पे हमें 1 PM पहुँचना था और हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी. बट वी वोक अप एट अराउंड 7 और हमने जल्दी जल्दी से तैयारी की. और ये लॉक मैं ऑलरेडी दरवाजे का तोड़ चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा. मैंने ऐसे करके खींचा और वो बिल्कुल मेरे हाथों में आ गया. खैर, फिर हम लोगों ने की लगा कर उसको रखा हुआ था. जब तक हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा हम पीछे से आप लोगों का ये दरवाज़ा ठीक कर देंगे. इस्लामाबाद का नाश्ता काफ़ी फेमस है, इसीलिए हम लोग कहीं जाने से पहले रुके और हमने नाश्ता किया. नहीं नहीं वो चाय गिरा है. ये लिखा देखना, चाय गिरी. हाई फैसल मॉस के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और जब हम इस्लामाबाद की ट्रिप प्लान ही कर रहे थे तो मैंने कहा कि हम लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के फैसल मॉस ज़रूर जाएंगे. पर जब हम यहाँ पे आए तो हम अंदर गए ही नहीं क्योंकि यहाँ पे इतनी बुरी हालत थी. ऐसा लग रहा था कि ये कोई डेटिंग स्पॉट है, जबकि ये एक मॉस था. और मुझे मतलब यहाँ पे घूमने में एक शर्म आ रही थी. तो और अंदर भी कोई हाल नहीं था क्योंकि हमने थोड़ा सा देख लिया था, सारी दरवाजे और चीज़ें इनसे खुली हुई थी. और हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि हम अंदर जाएं क्योंकि जो बाहर हाल था हमें पता था कि वही हाल अंदर होगा. और ये क्या है अंदर, ये फैसल मॉस्क है. बहुत ही बुरी हालत है इसकी तो. अब अंदर से इससे बेहतर तो लाहौर वाली है. सही बात है, अच्छा ही मौसम. हाँ हमारी ट्रिप टू फैसल मॉस्क डिड नॉट गो एज प्लान्ड, तो हमने सोचा कि हम कहीं और चलते हैं. और दामिनी को इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा फेमस है, खाला मम्मा और नानू ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके हैं, तो हमने सोचा कि हम दामिनी को जाते हैं. बट हमने जब GPS लगाया तो वो हमें बहुत ज़्यादा शेडी जगह से लेके जा रहा था और हम थोड़ा सा डर भी गए थे, जिसकी वजह से फिर हम आगे नहीं जा सके और फिर हम कुछ भी नहीं कर सके इस्लामाबाद में. और हम बस वापस आ गए क्योंकि इट वॉज़ ऑलरेडी 11 AM और हमने वापस आके कपड़े इस्त्री करने थे, हमने तैयार होना था और फिर 1 बजे इवेंट पर पहुँचना था. तो हमारा ऑब्वियसली मूड ख़राब था, हम सब सैड थे क्योंकि हमने इस्लामाबाद की ट्रिप पूरी प्लान की हुई थी और इट नॉट गो एज प्लान. लेकिन इट वॉज़ नाइस क्योंकि हम सब साथ थे और हम ट्रैवल साथ कर रहे थे. और गाड़ी में बैठ बैठ के ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी. तो हम जैसे ही वापस आए तो मैं और ज़ारा तो एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटे के लिए सो लगा. मैंने कहा, मैं टाइम देख रही थी, तुम्हें कितना चाहिए था क्लास? मुझे, मैं टाइम देख रही थी हमें कितना टाइम मिलेगा सोने के लिए.
इट वॉज़ रियली हॉट इन इस्लामाबाद, और हमने शुक्र अदा किया कि हमारा रेस्ट हाउस भी इस्लामाबाद में था और जो इवेंट का जो हॉल था वो भी इस्लामाबाद में था. तो वी डिड नॉट हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद टू रावलपिंडी जस्ट टू अटेंड द इवेंट, और हम बहुत जल्दी हॉल पहुँच गए थे. Home, and I wanted to show you guys this before we wrap this up.
जिनकी शादी थी, शी इज़ बेसिकली ममाज कज़न और एंड हर यंगर सिस्टर गिफ्टेड मी दिस. और वो पूरा, क्योंकि वो लोग कोयटा से आए थे तो उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब कुछ बनाया था. एंड शी रिसर्च्ड अ लॉट, कि उसने मेरा अकाउंट खोला और इस अकाउंट में जितनी भी बुक्स थी जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ वो सारी उसने इसके अंदर डाली, छोटे छोटे वर्जन्स उसके बना के. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड आई रियली रियली लव इट. एंड आई एम गोना शो यू गाइस कि कौन कौन सी बुक्स उसके अंदर उसने डाली हैं.